देवी त्वं भगत सुलभे सर्व कार्य विधायनी कलोहि कार्यम सिद्ध्यर्थमुपाय ब्रूहि यत्नतः। अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो श्री दुर्गा प्रत्यर्थ जयकारा शेरुमालिका बोल साचे दरबार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, सुस्वागतम। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के इस एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा उपाय, एक ऐसा महाटोटका जो रातों रात बहुत ही कम समय में आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। यूं तो आमतौर पर मैं आपके लिए अलग अलग बेहतरीन उपाय लेकर के आता रहता हूं और बड़ी खुशी होती है जब हमारे भक्तों के हमारे पास उत्तर आते हैं कि शास्त्री जी जो उपाय आपने बताया था उस उपाय के करने से हमें लाभ हो रहा है। मन को बड़ी खुशी मिलती है और जो हम इतनी मेहनत करते हैं हमारी मेहनत सफल होती हुई भी नजर आती है। ऐसा ही दिव्य चमत्कारी उपाय आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपकी कोई मनोकामना बड़े लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है या अगर आपका कोई भी ऐसा काम है, आपका बहुत इम्पोर्टेंट काम है, अगर वह पूरा नहीं हो रहा है, हर बार उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो चिंता मत करें। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इस उपाय को आप एक बार सच्चे मन से कर लें, आपके बड़े से बड़ा काम भी तुरंत प्रभाव से हो जाएगा। सच्चे मन से इस उपाय को करना है तभी इसका पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा। साथियों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट में जरूर लगा दें। बोल भद्रकाली माता तेरी सदा ही जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नीति शास्त्री आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसा दिव्य महा उपाय जो आपके कार्यों की सारी बाधाओं को दूर कर देगा। तो चलिए अब आज का अपना उपाय शुरू करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एपिसोड को शांति से आप पूरा देखें ताकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वह जानकारी अच्छी तरह से आपको समझ में आए। तो साथियों, ये उपाय आपने मंदिर में करना है। कोई भी मंदिर हो, शिव मंदिर हो, देवी मैया का मंदिर हो, माता भद्रकाली का मंदिर हो, भगवान श्री कृष्ण जी का, आपने किसी भी मंदिर में जाकर के इस उपाय को कर देना है और बहुत ही कम दिनों में इसका आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद बहुत आश्चर्यचकित होंगे, प्रसन्न होंगे कि आपके सारे काम बनने लग रहे हैं। आपने मंदिर में जाना है, चाहे तो आप अपने घर से थोड़ी हल्दी ले जाएं या अगर मंदिर में ही आपको कहीं पर चंदन दिखे, पीला चंदन दिखे, वहां से भी आप इस काम को कर सकते हैं। आपने एक अंक मंदिर में लिखना है। क्या है वह अंक, अभी मैं आपको बताऊंगा। इस अंक को मंदिर में आप किसी भी दीवार पर या मंदिर का जो गर्भगृह होता है वहां की दीवार पर इस अंक को लिख देना है और आपके सभी काम, जो भी आपकी मनोकामना है, बेहद जल्दी वह मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। प्यारे साथियों, मंदिर में विशेष रूप से जब आप जाते हैं तो वहां पर मन को शांति मिलती है। हमें सबसे ज्यादा शांति अगर कहीं पर जाकर मिलती है, सबसे ज्यादा सुख का अनुभव अगर कहीं पर होता है, सकारात्मकता अगर कहीं पर मिलती है, तो वह स्थान है मंदिर। साथियों, मंदिर में जब आप पूजा करने के लिए जाते हैं, जोत बाती लगाने के लिए जाते हैं, उस समय
मंदिर में प्रवेश करते ही हमारे मस्तिष्क में एक अजीब तरह की पॉजिटिविटी, हमारे माइंड में एक अलग तरह की शांति का अनुभव हमें होने लगता है। तो ऐसा क्यों? साथियों, मंदिर में देवी देवताओं का निवास होता है। कई जगह पर जैसे प्रकट शिवलिंग होता है, जहां पर अपने आप शिवलिंग प्रकट हुआ है उन्हें प्रकट स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। तो ऐसी जगह पर तो इस शिवलिंग का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करने पर हमें बहुत जल्दी उसके रिजल्ट मिलते हैं, हमारे कार्यों की अड़चनें दूर होती हैं। साथियों, देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमारे सभी रुके हुए काम बनने लगते हैं, हमारे कार्यों में जो अड़चन आती है वह भी दूर होती है। प्यारे साथियों, अब आपको मैं बताता हूं कि मंदिर की दीवार पर आपने क्या अंक लिखना है। तो आपने अपनी इन दोनों उंगलियों को मिला लेना है, उसके बाद हल्दी से आपने वहां पर 64 यानी कि 64 लिखना है। आपने मंदिर की किसी भी दीवार पर या जो मंदिर का गर्भगृह है वहां पर हल्दी से, या अगर पीला चंदन है तो पीले चंदन से भी आप 64 लिख सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ करके वहां पर आपने अपनी मनोकामना बोलनी है, जो आपका कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा है या जिस काम के होने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। नंबर लिखने के बाद वह काम, वह मनोकामना आपने अपने मन में ध्यान करनी है। साथियों, आपने इस उपाय को करते वक्त किसी के साथ बातचीत नहीं करनी है, और जैसे ही आप ये उपाय करेंगे इसके कुछ दिन बाद ही आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। आपका जो भी काम आपने मन में साध किया था, जो जिस मनोकामना के लिए आपने ये प्रयोग किया था, वह मनोकामना आपकी बहुत जल्दी पूर्ण होगी। प्यारे साथियों, सच्चे मन से और सही नियत से किया गया उपाय हमेशा उचित फल देने वाला होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भक्तों को भी इस उपाय के करने से जल्दी रिजल्ट की प्राप्ति होवे। अगर आपका आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात करूंगा अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। जय कारा शेरों वाली का, बोल साचे दरबार की जय।